दोस्तों, आजकल आइडियल हेल्थ बहुत कम लोगों की है। हर कोई अपनी हेल्थ को लेकर परेशान है। उसको कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या है, चाहे वो पेट से संबंधित हो, चाहे मस्तिष्क से संबंधित हो, चाहे जोड़ों से संबंधित हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम चली रही है। तो मैंने सोचा एक रेमेडीज का ऐसा भंडार आपको दे दूं जो कि इफेक्टिव भी हो और जो कहीं किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट भी ना दिखाती हो। अगर ये सारी रेमेडीज आप कर लेंगे तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक भी होंगी और भविष्य में हेल्थ प्रॉब्लम होने का खतरा कम भी हो जाएगा। इसमें मैंने लगभग सारे ग्रह कवर किए हैं, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेल्थ प्रॉब्लम क्यों होती है, ज्योतिष के एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी पाप प्रभाव बढ़ जाता है ग्रहों का, जैसे शनि, राहु, केतु पाप ग्रह माने जाते हैं, जब इनका प्रभाव बढ़ जाता है, और जो सौम्य ग्रह हैं जैसे चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इनका जब अच्छा प्रभाव कम हो जाता है या ये पाप प्रभाव में आ जाते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम होती है जनरली। वैसे तो एग्जैक्ट जन्म पत्री देख के ही पता चलता है कि हेल्थ प्रॉब्लम क्यों हुई है, पर तब भी जनरली स्पीकिंग यही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर बुध खराब हो या बुध पे पाप प्रभाव हो तो मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम होती है, चक्कर आने लग जाते हैं, डिल्यूजन्स होने लग जाती हैं, एंजाइटी होने लग जाती है, या अगर चंद्रमा पे पाप प्रभाव हो तो डिप्रेशन हो सकता है, इमोशनल इम्बैलेंस, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज हो सकती है, बृहस्पति अगर खराब हो तो लिवर खराब हो सकता है या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, शुक्र खराब हो तो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से अलग अलग ग्रहों की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो मैं उपाय आपको बताना जा रहा हूं, ये उपाय आप करेंगे, परंतु अगर आप किसी बीमारी की कोई दवाई ले रहे हैं वो आप कंटिन्यूअसली लेते रहेंगे, वो चिकित्सीय परामर्श आप जरूर लेते रहेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, और उपाय शुरू करने से पहले कम से कम 100 रुपए अपने निकटतम धार्मिक स्थल में दान देंगे। 100 रुपए कम से कम है, ज्यादा भी दें अपनी कैपेसिटी के अनुसार। और ये उपाय सारे भी कर सकते हैं, इसमें से कुछ भी कर सकते हैं जो आपके सामर्थ्य में वो कर लें। सारे पॉजिटिव उपाय हैं, इसमें कोई तांत्रिक उपाय नहीं है, किसी का कोई नेगेटिव असर नहीं है या किसी और के ऊपर कोई नेगेटिव असर नहीं आता है। तो शुरू करते हैं उपाय नंबर एक से। उपाय नंबर एक बहुत इजी, बहुत इफेक्टिव। आप 5 हल्दी की गांठ ले लें, साबुत हल्दी के जो पीस होते हैं पीले रंग के, उनको केवल आप अपने तकिए में डाल दें, पिलो कवर के अंदर डाल दें, दैट्स इट। उस पिलो को जब आप यूज करेंगे, पिलो कवर के अंदर हल्दी डाल के, आपकी हेल्थ डे बाय डे अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। इसी से जुड़ा हुआ एक और उपाय है, अगर हल्दी की गांठ आपको ना मिले इजीली या ना कर पाए, तो 1 चम्मच हल्दी 1 ग्लास पानी में घोल के अपने सिरहाने के पास रख लिया करें, बस। और कुछ नहीं करना आपको, इस पानी को पीना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जब ये पानी खराब होने लगे इसको आप गिरा दें और दूसरा पानी भर लें, दैट्स इट, इट इज दैट सिंपल। उपाय नंबर दो ये है कि एक बॉटल लें, उसमें आटा मिक्स कर लें बूरे के साथ बराबर बराबर, और अगर बूरा ना मिले तो चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं। तो मतलब आटा और चीनी का पाउडर या आटा और बूरा बराबर बराबर मिला लें एक बॉटल में, और रोज एक मुट्ठी अपने घर के बाहर छींटियों पर डाल दें। घर के बाहर डालने का मतलब है फुटपाथ पे, पार्क में, गार्डन में, बाउंड्री वॉल जो होती है कंपाउंड के उसके साथ, पर घर के बाहर, घर के अंदर नहीं डालना है। जैसे जैसे चींटियां ये पूरा आटा खाती रहेंगी वैसे वैसे आपके शारीरिक समस्याएं कम होती रहेंगी। उपाय नंबर तीन ये है, अगर आपको ये लगता है कि आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है किसी की नजर लगने की वजह से या किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से, आपको डर है किसी ने कुछ आपके ऊपर कर दिया है, तो आप रोज घर के सेंटर में थोड़ा सा कपूर, मतलब बहुत कम भी ना लें, बहुत ज्यादा भी ना लें, इतना कपूर एक मिट्टी के दिए में रख के आप जलाना शुरू कर दें रोज सूर्यास्त के समय। उसको जलते रहने दें, पड़े रहने दें, इतना सा कपूर लेंगे बस आप। जैसे जैसे आप उसको जलाते रहेंगे आपके नेगेटिव इन्फ्लुएंस कम हो गए, घर से बीमारी दूर भागेगी। उपाय नंबर चार बहुत आसान, बहुत इफेक्टिव अगेन, अपना नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मार्क कर लें। मतलब आप मोबाइल पे कॉम्पास का ऐप डाउनलोड करें, घर के बीच में खड़े हो जाएं, पहले तो आप देखें कि आपका नॉर्थ कहाँ पे है, फिर आप देखें आपका ईस्ट कहाँ पे है, उसी में इंगित हो रहा होगा कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हिंदी में हुआ है उत्तर उत्तर पूर्व, उत्तर उत्तर पूर्व दिशा आप देख लें कहां पर है एग्जैक्ट, वो लगभग इतनी आएगी, पूरा सर्कल में लगभग इतनी दिशा आएगी है। इस दिशा में कोई लाल रंग का या पीले रंग का सामान, कर्टेन, शोपीस, फर्नीचर कुछ नहीं होना चाहिए, वॉल क्लॉक भी नहीं होनी चाहिए। किस रंग की? लाल और पीले रंग की। इस वीडियो को आप बार बार देखते रहना, आपको बातें क्लियर हो जाएंगी, तब
तब भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर कोई समस्या हो तो। इस नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में कोई भी लाल और पीले रंग का सामान ना रखें, इसकी जगह आप रिप्लेस कर दें सफेद, नीला या हरे रंग का सामान। वो फर्नीचर है, कर्टेन है, शोपीस है, वॉल क्लॉक है, कुछ भी सामान है, चाहे आपका वहां पे बैग ही पड़ा होता है, तो कोशिश करें वो बैग इस जोन के रंग के हिसाब से हो। बहुत अच्छी रेमेडी है। बल्कि आप एक और काम कर सकते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अपनी दवाइयां या जो आपके सप्लीमेंट्स होते हैं, जो लोग जिमिंग करते हैं वो भी सप्लीमेंट लेते हैं, या आजकल ये न्यूट्रीलाइट वगैरह के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, हर्बल लाइफ के सप्लीमेंट्स होते हैं, ये आप इसी जोन में रखें जो मैंने अभी आपको बताया। आपको लाभ मिलेगा, कई गुना ज्यादा गति से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगेन, बहुत इफेक्टिव रेमेडी, बहुत इजी रेमेडी, इसको आप जरूर करें। दोस्तों, अगर आपके जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, या बॉडी में कहीं भी पेन हो जाता है, कभी भी सिर दर्द हो जाता है, कभी सर्वाइकल का पेन हो जाता है, कभी साइटिका का, या कभी बैक पेन हो जाता है, कुछ भी पेन हो जाता है आपका, तो आप क्या करें, एक काला हकीक, बहुत सस्ता स्टोन होता है, इतने लगभग साइज ले लें, तो 300-500 रुपए का आएगा, हार्डली, डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिल जाएगा। इतना सा एक स्टोन ले लें और इसको केवल अपने पॉकेट में, पर्स में, वॉलेट में, या अगर आप हाउस वाइफ हैं तो अलमीरा में इसको आप रख लें। बस शनिवार को रखें, इसको रखना शुरू करें, और शनिवार को भी सुबह सूर्योदय 1 घंटा बाद तक, ये जो मतलब सूर्योदय हुआ उसका 1 घंटा देख लें, उसके बीच में ही आपको ये हकीक स्टोन अपने पास रखना है। रखने से पहले इसको अच्छे से वॉश कर लें, इसको दोनों हथेलियों के बीच में अफर्म करें कि ये रखने से मेरे शारीरिक कष्ट दूर हो रहे हैं। ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, इसको भी आप जरूर करें। ये होती तो शनि ग्रह के प्रकोप को कम करने के लिए है, और शनि ग्रह का जो पाप प्रभाव आता है वो हमारी हड्डियों में, हमारे मांसपेशियों में जरूर आता है, जिससे पेन्स होते हैं। ये मेरा ट्राइड और टेस्टेड है, इसको आप करेंगे आपको अपने पेन से छुटकारा मिलेगा। अगर पेन नहीं भी है तब भी आप रख सकते हैं, आपको अदरवाइज शनि महाराज की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने आपको 5 उपाय बताए हैं, चाहे 5ों कर लें, चाहे 5ों में से कुछ कर लें, आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी भी है तब भी ये उपाय कर सकते हैं, ये सप्लीमेंट काम करेंगे या सपोर्ट काम करेंगे, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ बीमारी तो है पर समझ नहीं आ रहा क्या बीमारी है, डॉक्टर को भी जाके क्या बताऊंगा, किसी से क्या शेयर करूंगा, तो भी आप ये 5ों उपाय कर सकते हैं, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। कोई सवाल है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे से फ्री कंसल्टेशन लेने के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।